दोस्तों बीते दिनों भारतीय सिनेमा के लिए एक यादगार दिन रहा। कोरोना काल के बाद पहली बार किसी फिल्म ने पिछले सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए 223 करोड़ की दमदार ओपनिंग की। और दोस्तों फिल्म के रिलीज के तीसरे यानी कि रविवार को फिल्म के लीड किरदार रामचरण का जन्मदिन था। और दोस्तों उन्होंने इस मौके पर सोशल मीडिया पर बताया उन्हें अपने फैंस से यादगार और नायाब तोहफा मिला है। दोस्तों एसएस राजमौली की फिल्म आरआरआर में क्रूर पुलिस वाले अल्लूरी सीताराम राजू की भूमिका निभाने वाले रामचरण ने रविवार को अपने जन्मदिन के अवसर पर अपने फैंस को धन्यवाद दिया। मगध हीरा फिल्म एक्टर फिल्म रिलीज होने के बाद से मिल रही प्रतिक्रिया से खुद को भाग्यशाली मान रहे हैं। उन्होंने एक छोटा लेकिन प्यारा नोट लिखा है दोस्तों, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों रामचरण ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राजमौली की आरआरआर के लिए अपार प्यार और प्रशंसा के लिए धन्यवाद। उन सभी को मेरा हार्दिक धन्यवाद जिन्होंने सिनेमा घरों में बड़े उत्साह के साथ फिल्म देखी है। अभिनेता ने कहा दोस्तों कि मैं विनम्रता पूर्वक इस अद्भुत जन्मदिन उपहार को स्वीकार करता हूँ। दोस्तों फिल्म के मुख्य एक्टर रामचरण और जूनियर एनटीआर अजय देवगन आलिया भट्ट शामिल है। साथ ही दोस्तों एक खुशखबरी की बात यह है कि स्टार रामचरण ने अपनी फिल्म आरआर में जो कि डायरेक्शन कैमरा या प्रोडक्शन सभी डिपार्टमेंट से जितने भी लोग हैं सभी को उन्होंने एक तोला गोल्ड क्वाइन दिया है, जिसमें दोस्तों एक तरफ उनका सिग्नेचर लिखा हुआ है और दूसरी तरफ आरआरआर फिल्म की टाइटल नेम लिखा हुआ है। दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी सुपरस्टार ने अपने मूवी के डायरेक्शन टीम कैमरा टीम और प्रोडक्शन टीम के प्रत्येक व्यक्ति को एक तोला गोल्ड क्वाइन देकर उनका शुक्रिया अदा किया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि हम जब कभी अपना वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।